नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खून के रिश्ते पार्ट थ्री। मांडवी राक्षसी राजमहल के द्वार पर पहुंची। आज तो इस पहरेदार का ही रक्त पीना चाहिए। अगले ही पल, ओह, मांडवी तो पहरेदार का रक्त पी रही है। शारंगदेव उल्टे पांव अपने कक्ष में वापस लौट आया। ओह, यह मैं क्या नादानी कर बैठा, एक राक्षसी से विवाह रचा बैठा। ईश्वर देव का कथन ही सत्य निकला। अभी वह यह सब सोच ही रहा था कि वसुंधरा ने कक्ष में प्रवेश किया। यह क्या महाराज, आप जागे हुए हैं? वसुंधरा, ना जाने क्यों मेरी नींद एकाएक ही उचट हुई है। दूसरे दिन शारंगदेव ने ईश्वर देव को अपने पास बुलवाया। ईश्वर देव, तुम्हारा कथन सत्य है, वसुंधरा ही मांडवी राक्षसी है। शुक्र है, आपको मेरी बात का विश्वास तो आया। अब मैं पवन घोड़े पर चढ़कर राक्षस प्रदेश की ओर जाऊंगा और वहां भीम ताल में खिले सफेद कमल को तोड़कर उस राक्षसी का अंत करूंगा। बेटा, इस कार्य में देरी न करो, वरना मांडवी राक्षसी और कई निरपराध लोगों की मार डालेगी। तब पवन घोड़े पर चढ़कर ईश्वर देव गोलकुंडा वन में पहुंचा। जब अर्धरात्रि होने पर चंचल परी वहां आई। चंचल परी, मैं राक्षस लोक में जाना चाहता हूँ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी ईश्वर देव। तब चंचल परी ने उसे उड़ने वाला जादुई कालीन दिया। इस पर बैठकर तुम राक्षस लोक जा सकते हो। धन्यवाद चंचल परी। तब चंचल परी ने एक जादुई दर्पण भी ईश्वर देव को दिया। इस दर्पण से तुम जो भी मांगोगे यह दर्पण तुम्हें वही देगा। तब तो यह दर्पण अद्भुत है। ईश्वर देव ने जादुई कालीन पृथ्वी पर फहराया और बोला, जादुई कालीन, मुझे राक्षस लोक में उड़ाकर ले चल। दूसरे ही पल जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा। कुछ देर बाद ही जादुई कालीन राक्षस लोक के ऊपर उड़ रहा था। अरे, यह आकाश में कौन उड़ रहा है? लगता है कोई जादूगर है, चलो इसे मार कर खाएंगे। यह सोच राक्षस जैसे ही कालीन की ओर झपटे, जादुई कालीन थोड़ा और ऊपर उठ जा। उसका आदेश पाते ही कालीन आकाश में ऊपर उठ गया। यह देख, यह क्या हुआ, यह हमारे देश में क्यों आया है? यह तो कोई बड़ा जादूगर है, इसका पीछा करना चाहिए। तब सारे दैत्य हल्ला मचाते हुए उस ओर चल पड़े जिधर कालीन उड़ता हुआ जा रहा था। इधर ईश्वर देव ने जादुई कालीन को आदेश दिया, जादुई कालीन, मुझे भीम ताल में खिले हुए सफेद कमल के पास ले चल। कुछ देर बाद ही कालीन भीम ताल के ऊपर उड़ रहा था। अरे ओ जादूगर, इन कमलों को मत तोड़ना, इनमें हमारे प्राण हैं। यह सुनकर, ओह, तो इन कमलों में इस देश के समस्त राक्षसों के प्राण हैं, तब तो सफेद कमल के साथ साथ मुझे ये सारे कमल भी तोड़कर फेंक देने चाहिए। ऐसा करने से राक्षस जाति का ही अंत हो जाएगा। तब उसने एक एक करके कमल के फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते ही, आह, ओह, हमें बख्श दे जादूगर, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। तट पर खड़े दैत्य तेजी से पृथ्वी पर गिरने लगे। कुछ देर बाद उसने सफेद कमल को छोड़कर सारे कमल तोड़ डाले। तट पर दैत्यों की लाशों का अंबार सा लग गया था। अंत में उसने सफेद कमल को कसकर पकड़ लिया। अब मांडवी राक्षसी की जान मेरे हाथों में कैद है। उधर वसुंधरा घबरा कर शारंगदेव से कह रही थी, महाराज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा गला दबा रही है। लगता है ईश्वर देव सफेद कमल तक पहुंच गया है। इधर ईश्वर देव ने एक झटके से सफेद कमल को तोड़ दिया। सफेद कमल के टूटते ही, आह, तड़पती हुई वसुंधरा पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे ही उसके प्राण निकले वह अपने असली रूप में आ गई। मांडवी, तेरा ऐसा अंत देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है, ईश्वर देव ने इस बार भी मेरी लाज रख ली। उधर अपना काम समाप्त करके ईश्वर देव ने जादुई कालीन को आज्ञा दी, जादुई कालीन, अब तू मुझे विदर्भ देश ले चल, मैं इसी समय राजा शारंगदेव के पास पहुंचना चाहता हूँ। ईश्वर देव का आदेश पाकर जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा। कुछ ही देर बाद वह राजा शारंगदेव के सामने था। पिताजी महाराज, मैंने मांडवी राक्षसी और उसके संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब विदर्भ देश से जाना चाहता हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? पिताजी महाराज, आज से 10 वर्ष पहले हमारे पूर्व जन्म की जो कहानी मार्कंडेय ऋषि ने हमें सुनाई थी, क्या आप उसे भूल गए हैं? मेरी 10 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकता। लेकिन बेटे,
यहाँ से तुम जाओगे कहाँ? पिताजी महाराज, मैं मार्कंडेय ऋषि के पास जाकर अपने माता पिता के बारे में पूछूंगा, वे उनके बारे में अवश्य जानते होंगे। ठीक है बेटे, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तब शारंग देव के चरण स्पर्श करके ईश्वर देव कक्ष से बाहर निकल गया। वह सीधा मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि, एक दिन आपने कहा था कि समय आने पर आप मेरे असली माता पिता के बारे में मुझे बताएंगे, क्या वह उचित समय अब आ पहुंचा है? तुम सही समय पर आए हो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता के विषय में अवश्य बताऊंगा। ईश्वर देव, तुम द्रविड़ देश के राजा द्रविड़ सेन के पुत्र हो। आज से 19 वर्ष पहले जब तुम केवल 1 वर्ष के थे, तो राजा द्रविड़ सेन अपनी महारानी सुभद्रा और पुत्र रोहित के साथ देवी के दर्शन के लिए कुरील वन से होकर जा रहे थे, तो अचानक ही आकाश पर काली आंधी छा गई, तेज हवाएं चलने लगी। उसी काली आंधी में राजा द्रविड़ सेन का परिवार छिन्न भिन्न हो गया। नन्ना रोहित आंधी में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उधर आंधी में उड़ती हुई महारानी सुभद्रा कई कोस दूरी पर जाकर गिरी। फिर क्या हुआ ऋषिवर? जब काली आंधी छटी तो लुटे पिटे राजा द्रविड़ सेन अकेले ही रथ में खड़े थे। तब उन्होंने महारानी सुभद्रा और रोहित को बहुत खोजा, पर इस कार्य में उन्हें तनिक भी सफलता नहीं मिली। तब वे निराश होकर द्रविड़ देश को वापस लौट गए। ओह, महारानी सुभद्रा और नन्हे रोहित का क्या हुआ ऋषिवर? बेटा, नन्हे रोहित को तो एक शेरनी उठाकर अपनी गुफा में ले गई। आगे चलकर उसने ही रोहित को अपने बेटे की तरह पाला पोसा। उधर महारानी सुभद्रा को जब होश आया तो वह अपने को अकेला पाकर दिमाग का संतुलन खो बैठी और तब से भी पागल होकर दर दर भटकती फिर रही है। ऋषिवर, इस समय मेरी माँ सुभद्रा कौन से नगर में होगी? बेटा, इस समय वे दीनापुर नगर की गलियों में बच्चों के पत्थरों की मार सह रही है। ओह, तब ईश्वर देव ने मार्कंडेय ऋषि से विदा ली। आश्रम के बाहर जाकर उसने चंचल परी का दिया हुआ जादुई कालीन निकाला और उस पर खड़ा होकर बोला, जादुई कालीन, मुझे इसी समय दीनापुर नगर में मेरी माँ के पास पहुँचा दे। दूसरे ही पल वह दीनापुर में था। लगता है यही मेरी माँ है। अगले पल, क्यों इस दुखियारी को मार रहे हो? जाओ, भाग जाओ यहाँ से। ईश्वर देव की डांट सुनकर सब बच्चे वहाँ से 9-2-11 हो गए। तब, कौन है रे तू? क्या तूने मेरे नन्हे रोहित को कहीं देखा है? तब भरे हृदय से ईश्वर देव ने जादुई शीशे से कहा, जादुई शीशे, मेरी माँ का पागलपन दूर करके इसे ठीक कर दे, ताकि यह मुझे पहचान सके। अगले ही पल, बेटा, तू मेरा बेटा रोहित ही है ना? हाँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा रोहित ही हूँ, मेरे लाल। शुक्र है, माँ का पागलपन दूर हो गया। महारानी सुभद्रा रोती हुई ईश्वर देव से लिपट गई। लेकिन बेटे, जब तू मुझसे पिछड़ा था तो केवल 1 वर्ष का था, तब से अब तक तू कहाँ कहाँ रहा? माँ, यह एक लंबी कहानी है। तब ईश्वर देव ने अपनी कहानी महारानी सुभद्रा को कह सुनाई। सारी बात जानकर हम दोनों से बिछुड़कर तुम्हारे पिता द्रविड़ सेन पर न जाने क्या गुजरी होगी। अब हम उन्हीं के पास चल रहे हैं माँ। तब ईश्वर देव ने जादुई कालीन पर माँ के साथ खड़े होकर आदेश दिया, जादुई कालीन, हम दोनों को इसी समय राजा द्रविड़ सेन के दरबार में पहुँचा दो। अगले ही पल वे दोनों राजा द्रविड़ सेन के दरबार में खड़े थे। तुम लोग कौन हो? महाराज, क्या आपने अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र रोहित को नहीं पहचाना? तुम सुभद्रा हो? हाँ, और यह आपका पुत्र रोहित है। तब महारानी सुभद्रा ने अपनी और रोहित की दुख भरी कहानी राजा द्रविड़ सेन को सुनाई। सारी कहानी सुनकर, ओह, यह कैसा सुखद संयोग है, एक लंबे अंतराल के बाद विधाता ने फिर मुझे मेरे परिवार से मिला दिया है। रोती हुई सुभद्रा राजा द्रविड़ सेन के चरणों में गिर गई और रोहित भरे नयनों से पिता को निहारने लगा। महारानी सुभद्रा और युवराज रोहित के वापस लौटने की खुशी में सारे नगर में रोशनी की गई। महारानी, आज हमारे जीवन का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट गया है। हाँ महाराज, ईश्वर देव द्रविड़ देश का युवराज बनकर अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और द्रविड़ सेन की मृत्यु के बाद द्रविड़ देश का राजा बना। इस बीच वह चंचल परी का जादुई कालीन व जादुई दर्पण लौट आया था। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।